एवरीवन, तो मॉर्निंग का टाइम है और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो मैंने सोचा डेली मतलब ब्रेकफास्ट इस तरीके से पराठे या घर वालों का फेवरेट बनता रहता है, तो आज कुछ ना क्यों अपना फेवरेट बनाया जाए। तो बस मैंने क्या किया, मेरा फेवरेट है पोहा, तो बस पैकेट खोला, पोहे को निकाला और मैंने कहा आज बनेगा पोहा। तो मतलब मेरे को पोहा एक तो बनाना भी बहुत सिंपल है और साथ में जो खाने में उसका टेस्ट ही लगता है ना, और मैं जिस तरीके से मतलब उसको बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी, एकदम खिला खिला पोहा बनाऊँगी। और उसके जो सर्विंग का जो मतलब है ना मेन है, मतलब सर्विंग आप इस तरीके से करेंगे तो आपको पोहा खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पोहा निकाल दिया, उसके बाद प्याज काट लिए। मतलब प्याज काटने में जो आंसू आते हैं ना, तो ये चॉपर आ गया है तब भी मतलब हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्याज काटने में, और वैसे काटने तो क्या ही। तो मैं तो ज़्यादातर चॉपर में ही काट लेती हूँ क्योंकि मेरे आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी आता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पोहे को अच्छे से वॉश करना है, तो आपको 2 से 4 बार इसको अच्छे से वॉश करना है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी देर पानी में इस तरीके करके 2 से 4 बार इसको पानी से वॉश करेंगे, और 2 से 4 बार पानी से वॉश करने के बाद देखिए पोहा जो है ना एकदम इस तरीके से खिला खिला हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा एक एक पोहे का जो दाना है ना वो आपस में चिपकना नहीं चाहिए, एकदम खिला खिला होना चाहिए। अब भाई ठंड का टाइम है और पोहा बन रहा है, तो उसके साथ बिना चाय के तो कैसे ही रह सकते हैं। मेरा ठंड में कोई भी ब्रेकफास्ट हो बिना चाय के तो इनकम्प्लीट ही लगता है, तो चाय तो ज़रूरी बनती है क्योंकि अदरक डाल के जो सर्दियों में मज़ा आता है ना चाय का, तो मतलब कुछ बता ही नहीं सकते। यहाँ पर मैंने एक गैस पे चाय बनने के लिए रख दी, बस उसमें मैंने चीनी पत्ती ये सब डाला, और उसके बाद मैं एक साइड में पोहा बनाऊँगी तो उसकी प्रिपरेशन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई लूँगी और एक साइड तक चाय बननी है जब तक हम ना पोहा भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ उसमें ऑयल, और ऑयल को होने देंगे अब अच्छे से गर्म। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल आप जो भी यूज़ करते हो वो यहाँ पर डाल लें, उसको अच्छे से गर्म होने दें। और जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी मूंगफली। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, उसको हमें यहाँ पर भूनना है, मतलब शैलो फ्राई करना है। तो मतलब पीनट से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पोहे में, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हल्की सी बस की गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी ना, अच्छे से शैलो फ्राई हो जाएंगी, तभी हम निकाल लेंगे क्योंकि फिर ना ये बहुत जलने लगती हैं और खाने में थोड़ा कड़वाहट आ जाती है। तो इसको यहीं पर हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो मूंगफली भुन गई है। अब सेकंड चीज़ जो मैं इसमें डालती हूँ ना, जो कि मेरी फेवरेट है पोहे में, आप लोग पता नहीं डालते हैं नहीं डालते हैं, बट मेरे तो इसके बिना पसंद ही नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर आलू इस तरीके से बारीक बारीक काट कर इसको भी शैलो फ्राई करूँगी। तो अगर आप पोहे में आलू नहीं डालते हैं तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर डाल के देखिएगा, सच में मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राई इसी तरीके से कर लेना है। आलू को थोड़ा पतला ही काटिएगा जिससे ये अच्छे से मतलब शैलो फ्राई होकर ना एकदम सॉफ्ट हो जाए, हार्ड ना रहे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम यहाँ पर पोहा बना लेते हैं। मतलब बहुत ही झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट है और यार फ़ायदा भी काफ़ी करता है, तो और सिंपल भी है बनाना। तो मैं तो ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि पोहा ही बना लूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल में डाल दिया थोड़ा सा राई दाना, और उसके बाद यहाँ पर डाल दिए करी पत्ते। करी पत्ते से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, कोई भी मतलब वैसे तरीके का नाश्ता बनाओ ना उस तरीके करी पत्ता डालो तो वाह उसकी खुशबू जो है ना बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद जैसे अच्छे चटक गई हमारी राई, उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज जो चॉप करके रखी थी वो यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च काट कर रखी थी वो यहाँ पर डाल दी है, और अच्छे से इसको भून लेंगे। प्याज को जब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छे से इसका जो कलर है ना वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, जब तक हम भूनेंगे। और यहाँ पर जैसे थोड़ी प्याज भुन जाएगी तो यहाँ पर अब डालते हैं मसाले। देखो पोहे में ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, सिंपल बस हल्दी, लाल मिर्च और सिर्फ नमक। यहाँ पर बस 2 से 3 मसाले ही मैं यहाँ पर डालती हूँ क्योंकि पोहा बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। अब यहाँ पर सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से ना इन्हें भूनना है, मतलब जो कच्चे पन की हल्दी की स्मेल है ना वो हमारे पोहे में से नहीं आनी चाहिए। तो हल्का सा मतलब हल्दी को हमें भून लेना है और इस तरीके से 1 से 2 मिनट भूनेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने ये फ्राई करके रखे थे ना मूंगफली और आलू वो यहाँ पर डाल देंगे, और इसे अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे। मतलब इसमें भी ना अच्छे से पीनट और इसमें आलू में मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा ना, तो मतलब खाने में जो टेस्ट है ना मतलब ये एकदम फीके से नहीं लगेंगे, मतलब थोड़े से फ्लेवरफुल लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पोहा। तो आप देखेंगे ना पोहा एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है, मतलब आप 2 से 4 बार इसको पानी से अच्छे से धो लें और मतलब आपका जो पोहा है ना इस तरीके का बिल्कुल अच्छा खिला खिला बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे मसाले के साथ, और देखिए आप देख रहे होंगे पोहा जो है ना बिल्कुल दानेदार और बिल्कुल एकदम खिला खिला है। यहाँ पर अच्छे से मसाले में मतलब चलाने में तो सारी दिक्कत हो रही थी ना क्योंकि कढ़ाई छोटी थी और पोहा थोड़ा ज़्यादा था, तो बस मुश्किल से मैंने यहाँ पर चला ही लिया। और उसके बाद यहाँ पर जो हम डालेंगे ना थोड़ा सा नींबू डालेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से नींबू डालने से ना एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से फिर नींबू डालकर मिक्स कर लूँगी, और यहाँ पर जो है ना हमारा पोहा बनकर बिल्कुल रेडी है।
तो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस, कितना यम्मी हमारा पोहा बनकर तैयार हुआ है। अब एक चीज़ हम इसमें और डालेंगे जो कि मतलब बिल्कुल जान होती है, इसके बिना ना मतलब देखने में ना कुछ सब्जी हो चाहे कुछ भी हो अच्छा ही नहीं लगता, तो वो है हरी धनिया की पत्ती। तो उसे डालने से ना जो एकदम इसका जो कलर है मतलब आप देखेंगे ना मतलब इसकी रंगत ही बदल जाती है कोई भी सब्जी हो, और उसके बाद इसका जो फ्लेवर होता है उसमें भी अलग ही मज़ा है। तो इसे डाल देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल बढ़िया इंदौरी पोहा बनकर तैयार है, क्योंकि इंदौर का फेमस है इसलिए मैंने इंदौरी पोहा कहा, बाकी तो ऑल इंडिया फेमस है ये पोहा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके मिक्स कर देंगे। अब बारी आती है सर्विंग की, तो अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे, पोहे को इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हम गर्मा गर्म पोहा डाल लेंगे प्लेट में, मतलब मैं तो पोहा बनता है ना रुका ही नहीं जाता यार, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही यम्मी यहाँ पर पोहा बनकर तैयार। अब बनाना तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर प्याज जो मैंने कट करके रखी है थोड़ी सी वो यहाँ पर डाल दूँगी। आप इस तरीके सर्व करके खाएंगे ना सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद थोड़ी धनिया पत्ती डालनी, उसके बाद यहाँ पर डाल दूँगी आलू भुजिया, जो आलू भुजिया होती है ना उसे डालने से जो इसका टेस्ट है ना खाने में मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा टमाटो केचप डालना है और मतलब इतना यम्मी लगता है ना तो क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर मेरा पोहा तो रेडी है, तो मैं तो इसको इन्जॉय करने जा रही हूँ, और यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है तो चाय भी साथ में इन्जॉय करेंगे बिना चाय के। तो मतलब सर्दियों में कोई भी ब्रेकफास्ट बिल्कुल इनकम्प्लीट है, चाहे वो पराठे हो चाहे कुछ भी हो, मतलब चाय तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम पोहा जा रही हूँ मैं करने, आपको थोड़े भी अच्छा लगा हो तो आप भी जाइए इस पोहे की रेसिपी को जल्दी बनाइए और गर्मा गर्म सर्दियों में इन्जॉय कीजिए। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।